हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स को आप निमोनिक के थ्रू कैसे याद रख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स याद करने में हम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर हमको उसका कोई निमोनिक मिल जाए तो हम उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि कितने क्लासेस आते हैं एंटी टीबी ड्रग्स में। तो एंटी टीबी ड्रग्स में तीन तरह के क्लासेस आते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और न्यूअर ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आती है जो ट्रिक, उसे हम नाम देते हैं राइप्स। सेकेंड लाइन ड्रग्स में आती है केप्ट और न्यूअर ड्रग्स में आती है ओकरा। अगर हम इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें तो राइप्स मीन्स पका हुआ और वी कैन से पका कर, केप्ट मीन्स रखा हुआ, कोई भी चीज़ रखी हुई है, और ओकरा, हालांकि ये स्पेलिंग गलत है बट ओकरा मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, भिंडी। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो ये क्या हो गया, पका कर रखी हुई भिंडी। इससे अब हम याद रख सकते हैं एंटी टीबी ड्रग्स। राइप्स में आर का मतलब है रिफैम्पिन, आई का मतलब है आइसोनियाजिड, पी का मतलब है पाइराजिनामाइड, ई का मतलब है इथाम्ब्यूटॉल और एस जो कि लास्ट है उसका मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स की। सेकेंड लाइन ड्रग्स में कैप्ट आता है ट्रिक। तो कैप्ट में के का मतलब है कैनामाइसिन, ई का मतलब है इथियोनामाइड, पी का मतलब है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और जो लास्ट बचता है हमारा था टी। टी का इसमें फुल फॉर्म आता है थायो एसिटाजोन। तो ये हो गई सेकेंड लाइन ड्रग्स। अब बात करते हैं न्यूअर ड्रग्स की। ये जो न्यूअर ड्रग्स हैं ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए डिस्कवर नहीं हुई थी बट ये उस पर इफेक्टिव हैं, टीबी बैक्टीरिया पर इफेक्टिव हैं। तो इसमें ओ का मतलब होता है ओफ्लॉक्सासिन, सी का मतलब होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फिर जो नेक्स्ट सी है उसका मतलब होता है क्लेरिथ्रोमाइसिन, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दो सी आते हैं, आप अगर भूल जाते हैं तो आप एक सी से भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट बात आती है आर की। तो आर का मतलब होता है रिफाब्यूटिन और जो लास्ट हमारा है ए, ए से सबसे कॉमन एग्जांपल आता है एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल्स का, वो है एजिथ्रोमाइसिन जो कि मैक्रोलाइड में आती है। ये लीजिए, ये हमारी ट्रिक जो है कंप्लीट हो गई और आपको देखते ही देखते सारा एक क्लासिफिकेशन याद भी हो गया। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सा क्लासिफिकेशन का निमोनिक जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।